हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे कि सारणिक के शाखंड एवं अवयवों के गुणनफलों के योग का मान किसके बराबर होगा। द वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोफैक्टर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। चलिए मैं यहाँ पर एक सारणिक लेता हूं जिसको मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा देता हूँ। देखिए A11, A12, A13, A31, A32, A33। ये हमारे पास सारणिक दिया गया। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इसके, मान लीजिए एक रॉ मैं लेता हूं या एक कॉलम लेता हूं और उसी रॉ या कॉलम के संगत जो कोफैक्टर होंगे उनको उनके साथ गुना करके जोड़ कर देखता हूं हमें क्या मान प्राप्त होता है। वही आपके ऊपर हेडिंग में मैंने लिखा है कि सारणिक के शाखंड एवं अवयवों के गुणनफलों के योग का मान हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले। तो मान लीजिए मैं यहां पर पहला वाला रो लेता हूं, ठीक है, यानी कि आर वन को लेता हूं। आर वन के एलिमेंट के साथ उसका संगत कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हटेगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। इस एलिमेंट की बात करेंगे और इसके साथ इसका कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं इसके चिन्ह के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जब कोफैक्टर की बात करें तो इसके साथ इसका चिन्ह आएगा ना जी, इसका चिन्ह माइनस यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे ले लेते हैं माइनस, या फिर वो माइनस हम बाहर भी लगा सकते हैं इसके साथ, यहाँ माइनस ही में ही ना आ जाएगा। चलिए ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू A21, A23, A31, A33। ये वाला पॉजिटिव होता है ऐसे भी, ठीक है। तो A13 लिया और ये पॉजिटिव होता भी है, ये रो ये कॉलम बन गया, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू A21, A22, A31, A32। यहां जो हमें प्राप्त हुआ एक्चुअल में, आप अगर इसे एक्सपेंड करते एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन तो यही चीज मिलता हमें, ध्यान से देखो, आर वन के लेकर एक्सपेंड करते तो यही हमें चीज प्राप्त होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अवयव के साथ, एक रॉ के अवयव के साथ उसी रॉ के संगत को फैक्टर को लिए हैं और उनको गुना किए इस अवयव के साथ, माइनस के साथ नहीं है। A12, A13, A13 उसी का कोफैक्टर A13 का है। तो हमने देखा कि सिरो के अवयवों के साथ उसके संगत कोफैक्टर को गुना करके हमने जोड़ दिया, उससे प्राप्त मान जो है सारणिक मान के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के लिए भी ले सकते हैं कि संगत अवयवों में उसी पंक्ति के संगत अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ भी यहां कर सकते हैं, या स्तंभ अगर वहां स्तंभ है तो यहां भी स्तंभ होगा, उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के कोफैक्टर से गुना कर जोड़ने पर प्राप्त योगफल सारणिक मान के बराबर होता है। ऐसा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, लग रहा है नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो रहा उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को हमने गुना करके जोड़ कर देखा। अगर मान लीजिए हम लोग आर वन के अवयवों के साथ किसी दूसरे रो के अवयवों को गुना करके, दूसरे रो के कोफैक्टर्स को गुना करके अगर उसमें जोड़ कर देखा जाए तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम लोग यहां पर
A11 लेते हैं, फर्स्ट वाला रो ले रहे हैं, ठीक है, अब हम इसके ले रहे हैं, इसके कोफैक्टर लेंगे A21 A12 A22 A13 A23, देख रहे हैं, हमने अवयव लिया है ये फर्स्ट रो वाले और कोफैक्टर लिया है सेकंड रो वाले, और उनको गुना करके देखते हैं क्या आता है, गुना करके योगफल निकाल के A11 ये A21 माइनस में होता है वहां से देखो, तो यहां माइनस लगा दो पहले ही, ये रो और ये कॉलम हटा गया, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो A12 A13 A32 A33 A12, ये पॉजिटिव होता है कोफैक्टर के लिए बात कर रहे हैं, ये रो ये कॉलम हटा गया, कॉर्नर वाले एलिमेंट के डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है भाई, A13 यहाँ देखो ये प्लस है, लेकिन ये देखो यहाँ पे देखो फैक्टर के लिए, इसके लिए बात करें तो माइनस में है, ये माइनस लगा देते हैं, ये रो और ये कॉलम जाएगा, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो इन चारों का A11 A12 A31 A32, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ A11 यहाँ जाएगा A12 A33 A13 A32 प्लस में A12 A11 A33 माइनस A13 A31 माइनस A13 A11 A32 माइनस में A12 A31, ठीक है, चलिए सॉल्व कर, माइनस A11 A12 A33 माइनस ए माइनस में प्लस हो जाएगा A11 A13 A32 प्लस A11 A12 A33 माइनस A12 A13 A31 माइनस A11 A13 सजा भी लेते हैं A32 प्लस A12 A13 A31। अब देखिए इसमें कटने वाले कौन कौन से, ये देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यहाँ देखो 32 वाला, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, इसको देखो ये वाला और ये वाला देखो, तो हमने क्या देखा, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के कोफैक्टर को गुना करके जोड़ने पर सारणी का उसका मान क्या जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ के लिए भी यही रूल होगा, अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के कोफैक्टर्स को गुना कर जोड़ने पर प्राप्त योगफल कर देते हैं शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। तो हमने यहाँ पे ये दो चीजें सीख ली, इन दोनों टॉपिक को ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। आज की क्लास में इतना ही, आपको हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई.online रवि का आंसर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।